अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस समय एक बड़ी अपडेट आ रही है, जरा इसको हम देखते हैं। लो आ गई बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट क्या है कि DLED छात्रों को प्रमोट किया जाएगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, काफी देर से एक ही सवाल आ रहा था कि क्या DLED छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा। देखिए दोस्तों, आज एक अपडेट आई थी और खबर का सोर्स भी हम आपको दिखा देते हैं, livehindustan.com। अगर दोस्तों आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए साफ साफ मेंशन किया गया है कि आखिरी सेमेस्टर के अलावा अन्य सेमेस्टर के नतीजे पिछले प्रदर्शन एवं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों साफ साफ बातें लिखी गई हैं कि जो बच्चे फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में अगर आप नहीं आते हैं, जैसे दोस्तों DLED का हम बात करें तो ये होता है फोर्थ सेमेस्टर, इनको हम फाइनल सेमेस्टर कह सकते हैं, फाइनल ईयर कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ये तो आपका फाइनल है नहीं, ये सब तो स्टार्टिंग या मिडिल का है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इन छात्रों को प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है, यहाँ पर कहीं ऐसा तो लिखा नहीं कि DLED छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा। तो अब देखिए इसका डिसीजन कौन लेगा कि DLED छात्रों को प्रमोट करना है या नहीं, इसका दोस्तों डिसीजन लेगी आपकी PNP। ठीक है, एक और दोस्तों हम बड़ी अपडेट आपको देना चाहेंगे। शासन के लिए सभी कर्मचारी एक समान है, शिक्षक की कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जैसे सभी कार्मिक जा रहे हैं वैसे आपको भी जाना होगा। सुने या टेलीफोन वार्ता। तो दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाएंगे, इसको सुनना जरूर है ठीक है आप लोगों को, क्योंकि आगे चलकर आप लोग टीचर बनेंगे। तो आप लोगों को छुट्टियां क्यों नहीं दी जा रही हैं? कुल मिलाकर दोस्तों आपको पता है इस समय प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं, और एक बात आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि इस समय बच्चे आ नहीं रहे स्कूल में। जब बच्चे नहीं आ रहे दोस्तों तो स्कूल खोलने का मतलब क्या है? ऑनलाइन क्लासेस चल रही है व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे भी चल रही है, ठीक है वो घर बैठे हो सकता है, लेकिन स्कूल खोलने का फायदा क्या? तो आप इस ऑडियो क्लिप को दोस्तों जरूर सुनिएगा, आगे चलकर आपको भी टीचर बनना है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, काफ़ी बच्चे शेयर करना भूल जाते हैं। शेयरिंग और केयरिंग करते रहिए, और इस ऑडियो क्लिप को सुनना जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर आप लोग जब टीचर बनेंगे तो आपके भी ऐसे कुछ सवाल आएंगे कि यार जब हमें स्कूल में जाकर पढ़ाना ही नहीं है तो स्कूल खोला क्यों जा रहा है, ठीक है उसको समझिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या अपडेट आई थी इसको हम जरा बता देते हैं आपको। UGC ने जारी की रिवाइज्ड गाइडलाइन, विश्वविद्यालयों की आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं अब सितंबर अंत तक। ठीक है, ये अपडेट्स को हम देखेंगे। उससे पहले दोस्तों आपके जो सवाल आ रहे थे, देखिए अगर प्रमोट नहीं किया गया फिर होगा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले भी बताया कि अगर आपको प्रमोट नहीं किया जाता तो आपका नुकसान होगा। अब कौन कौन सा नुकसान होगा इसको भी हम आपको डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले अगर आप 2019 बैच के छात्र हैं, ठीक है, या आप हम कह सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आपका नुकसान ये होगा कि दोस्तों जो आपकी दिसंबर, जी हाँ दोस्तों दिसंबर 2020 में भी आपका जो पेपर होगा, एक तो सीटेट का हो सकता है और एक UPTET। देखिए सीटेट का हम कन्फर्म नहीं बता सकते, इसका रीजन क्या है कि सीटेट की जो परीक्षा 5 जुलाई को होने वाली थी दोस्तों, वो अभी फिलहाल पोस्टपोन चल रही है। अगर समय देखिए, अभी जैसी अपडेट आ रही थी कि सितंबर से पहले पेपर नहीं हो पाएंगे, तो अगर हम ये सोचते हैं कि सीटेट का पेपर सितंबर में होगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो अक्टूबर तक आएगा, ठीक है, तो उसके बाद समय काफी कम रहेगा, तो उसके बाद पेपर हो पाना मतलब सीटेट दिसंबर वाला, हो सकता है किस साल ना हो, फिर आपको सीधे सीटेट जुलाई का मौका मिले। तो सीटेट का कन्फर्म नहीं, लेकिन आप UPTET का मौका हाथ से गंवा सकते हैं। अगर UPTET का अगर आपके हाथ से मौका गया तो सिंपल सी बात है, UPTET का फिर पेपर आपका 2021 में ही होगा, वो भी दिसंबर में, तो आप एक साल पीछे हो जाएंगे, नुकसान काफी बड़ा होगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा, कब तक मिल सकती है आधिकारिक सूचना? कौन सी दोस्तों आधिकारिक सूचना, जिसको हम कह सकते हैं ऑफिशियल अपडेट? देखिए दोस्तों, अब कभी भी दोस्तों PNP इसको ऑफिशियल जारी कर सकती है अपडेट को, कि पहले दोस्तों कि यहाँ पर अभी तक क्लियर नहीं किया गया है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि क्या DLED छात्रों को प्रमोट किया जाएगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखिए योगी सरकार ने कुछ दिन पहले बैठक हुई थी जहां पर सभी छात्रों को प्रमोट करने की बात बन गई थी, लेकिन एक बात वहां और कही गई थी कि UGC गाइडलाइंस का वो इंतजार करेंगे। जैसे दोस्तों पहले सबको प्रमोट करने की बात हुई थी, लेकिन अब आपको एक बात अच्छे से पता है कि फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब इनको प्रमोट क्यों नहीं किया जाएगा, जरा हम आपको बता देते हैं। आपके हो सकता है कि आपके घर पे भी काफी भाई बहन, ठीक है दोस्त यार, बीटेक कर रहे होंगे। बीटेक का फाइनल सेमेस्टर होता है दोस्तों 8th सेमेस्टर, जिसको हम फाइनल ईयर कह सकते हैं, फाइनल सेमेस्टर कह सकते हैं।
तो होता क्या है, इस समय काफी कंपनियां आती है प्लेसमेंट के लिए। अगर घर बैठे ही सबको पास कर दिया जाएगा, मिलना जुलना होगा ना इनका, तो होगा क्या, मान लेते दोस्तों आज इनका रिजल्ट जारी करके बोले पास हो गए, तब तो ये छात्र हो जाएंगे बेरोजगार। जी हाँ दोस्तों, मन में आएगी ना फीलिंग, तो यार मेरा बीटेक तो कंप्लीट हो गया, नौकरी तो मिल नहीं रही है। तो काफी ऐसी चीजें भी होती है कि फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे होते हैं वो आगे नौकरी की या कुछ और बातें सोचते हैं समझते हैं, तो उनका पेपर फिलहाल कैंसिल नहीं किया जा सकता। इसको आपको समझना पड़ेगा, पेपर बहुत कठिन तो आता नहीं है, तो जो बच्चे फाइनल सेमेस्टर तक पहुंचते हैं वो डेफिनेटली आगे अपनी परीक्षा पास कर लेते हैं। एक और बड़ी अपडेट, बेसिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में डीएलएड डिग्री धारकों ने मांगी वरीयता। जी हाँ दोस्तों, इस बात के लिए तो इस वीडियो को शेयर करना बनता है, क्योंकि दोस्तों आपकी वैकेंसी में आपको पता है ना कि बीएड वाले छात्रों को भी मौका मिलता है। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार जब तक नहीं आई थी, या हम कह सकते हैं कि इससे पहले सरकार में होता क्या था कि सिर्फ डीएलएड के छात्र ही नौकरी करते थे। कोई नौकरी वैकेंसी आती थी बीटीसी वाली प्राइमरी लेवल की, तो वहां सिर्फ डीएलएड या बीटीसी, पहले नाम इसका बीटीसी था। तो पहले पूरी अपडेट को हम देखते हैं समझते हैं। देखिए, डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं ने बेसिक शिक्षा विभाग की सभी शिक्षक भर्तियों में प्रथम वरीयता देने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। रजत सिंह और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि डीएलएड और बीटीसी विशेष रूप से बेसिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कोर्स है, इसलिए इन शिक्षक भर्तियों में इन्हें पहली वरीयता दी जानी चाहिए। इसके बाद बची सीटों पर बीएड या अन्य कोई डिग्री धारक को मौका मिलना चाहिए। ये दोस्तों बात बहुत ही सही है, अगर आप एक डीएलएड के छात्र हैं तो अगर आपको पहले मौका मिलेगा तो आपको पहले नौकरी मिलेगी। एक बात आपको बता दें, शायद आपको पता ना हो, आपके घर में हो सकता है कि आपके दोस्त यार भाई बहन कोई बीटीसी किया होगा। 69,000 वैकेंसी के नाम बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपने सुना होगा। इसमें दोस्तों पेपर हुआ था 69,000 में, 4 लाख से ज्यादा बच्चे पेपर में अपियर हुए थे, मतलब पार्टिसिपेट किए थे, पेपर वेपर दिए थे, जिसमें से दोस्तों जो टोटल बीटीसी के छात्र पास हुए थे या डीएलएड के, वो 38,000 संख्या इनकी थी, 38,000 प्लस समथिंग। समझिए इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, तो आपको फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि बीएड को बाहर करने से बीटीसी को क्या फायदा होगा। पेपर हुआ ठीक है, और इसमें बीटीसी या डीएलएड के छात्र 38,000 पास होते हैं, बाकी 8,018 शिक्षा मित्र पास हुए हैं। तो दोस्तों दोनों को भी जोड़ ले तो 69,000 पद नहीं बनते हैं। मतलब ये था कि अगर आप बीटीसी कर लिए, सुपर टेट की परीक्षा पास कर लिए, तो आपकी नौकरी कंफर्म है, कोई मेरिट नहीं कुछ नहीं, खाली पास कर लो। क्योंकि दोस्तों टोटल जो पोस्ट थे वो 69,000 थी, लेकिन हुआ क्या, इसी वैकेंसी में दोस्तों 38,000 हमने बता दिया डीएलएड के बच्चे पास हुए या बीटीसी के, लेकिन 97,000 बच्चे बीएड के पास हो गए। समझिए इस बात से, यही से दोस्तों मामले में मोड़ आता है। आप सोचिए, जब 97,000 बच्चे बीएड के पास हो गए, टोटल वैकेंसी 69,000 है, तो मतलब साफ है कि दोस्तों 38,000, 97,000, 8,000, 18,000 सबको मिला मिला के 1,46,000 बच्चे लगभग पास हो गए, तो कंपटीशन बढ़ गया। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि दिक्कतें कहाँ पर आई डीएलएड के छात्रों को। अगर बीएड कभी ना आता इनकी वैकेंसी में, तो कभी इनको कोई दिक्कत ही ना होती। तो आप देखिए, अगर वरीयता मिल जाती डीएलएड छात्रों को, तो ये फायदा होगा ना कि जितने छात्र डीएलएड के होंगे पहले उनको नौकरी दी जाएगी, अगर इन केस कोई सीट बचेगी तो बीएड के छात्रों को मौका मिलेगा, नहीं तो बीएड को कोई मौका नहीं मिलेगा डीएलएड की वैकेंसी में फिलहाल के लिए। चलिए दोस्तों, एक बात हो रही थी कि कौन सी बातें हम लोग कर रहे थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी आप लोगों के लिए। हमने बोला था एक टेलीफोन वार्ता आपको सुनना चाहिए, क्यों बोला था इसको भी हम बता देते हैं। इस समय दोस्तों हमारा देश तरक्की पर है, और कोरोना वायरस में भी हमने तरक्की कर लिया, जो कि दोस्तों हमें यहाँ पर बिल्कुल तरक्की नहीं करना चाहिए था। 24 घंटे में 21,000 नए मामले दर्ज होते हैं, और अब तक दोस्तों 20,000 से अधिक लोगों ने जान गंवाई है, 474 लोगों ने 24 घंटे में अपनी जान गंवाई। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि हम कोरोना वायरस की दोस्तों रोकथाम कैसे कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सा एक फंडा होता है, जितने कम लोग दोस्तों मार्केट में जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, उतना ही दोस्तों कोरोना वायरस कम फैलेगा। जी हाँ दोस्तों, मेन बात होती है कि हमें समय मिले। आपको पता है कि इसकी दवा या वैक्सीन बनने पर काम काफी जोर से चल रहा है। आज से दोस्तों हमारे देश में भी इसका ट्रायल शुरू हो गया है, 7 जुलाई है आज तारीख हमारी, तो ट्रायल हमारे देश में भी शुरू हो चुका है। तो हमें दोस्तों टाइम चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर मेन बात क्या थी, टीचर्स को स्कूल बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है जब वो घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, या दोस्तों व्हाट्सएप के माध्यम से, या जैसे भी वो पढ़ा सकते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इनको स्कूल बुलाएंगे तो फायदा क्या होगा। देखिए सभी को, अगर आप दोस्तों देखिए, आप लोग डीएलएड के छात्र हैं, अगर आपको जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें, कोई मतलब नहीं। घर से आप बाहर जाएंगे, किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जिनको कोरोना वायरस होगा,
तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। देखिए मेन बात क्या है दोस्तों कि ठीक है 100 में से 80 लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। बहुत से दोस्तों मतलब एनालाइज हुआ है कि 100 लोगों को कोरोना हुआ तो उसमें 80 लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये 5 लोग मरते भी तो है ना, इसका जरा आंकड़ा देखिए कि अब तक 205,38,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस के चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आप देखेंगे अमेरिका में जब मामले इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पर 24 घंटे में मात्र 135 लोगों ने जान गंवाई, वो भी नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो दोस्तों जो है आपके सामने है, और फिलहाल दोस्तों इटली में 24 घंटे में 208 नए मामले, एक समय नंबर 1 देश था कोरोना वायरस में। तो सिंपल सी बात है, जिनको दोस्तों काम ना हो इम्पोर्टेंट तो उनको घर से इस समय नहीं निकलना चाहिए, हमें अपनी जान की सेफ्टी खुद करना है, खुद बचना है कोरोना से। तो बड़ी बीमारी है, महामारी है, तो बच के रहना चाहिए हमें। और दोस्तों जो हमारे डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट की दोस्तों हम बात कर लें, तो देखिए अभी तक आपको प्रमोट करने को लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना तो नहीं आई, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आने वाले टाइम में जल्दी देखने को मिले। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि अगर आपको प्रमोट नहीं किया गया तो नुकसान क्या क्या हो सकता है। अब देखिए एक बात और आपको बता दें कि 2019 बैच का तो नुकसान होगा ही, 2018 बैच का भी नुकसान होगा। अगर दोस्तों वो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ और करना चाहते हैं, जैसे डीएलएड के बाद उनका कुछ सपना रहा होगा कि हम ये पढ़ाई करेंगे, या कुछ और भी कर सकते हैं जो भी उनका मन हो, ठीक है, ABCD जो भी उनका मन हो, तो 2 साल का कोर्स है, 2 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो फिलहाल अगर थर्ड सेमेस्टर में इनको प्रमोट किया जाएगा तो 4th का पेपर दे के इनका मामला खत्म होगा। तो देखिए कोई चीज होती है ना कि 2 साल की डेडलाइन है, तो ठीक है 2-4 महीना ऊपर नीचे चलता है, लेकिन दोस्तों ज्यादा समय खींचेगा तो नुकसान भी ज्यादा होगा और उनकी आगे की पढ़ाई रुक सकती है। तो सभी को अपना करियर पर फोकस करना चाहिए, कहीं पर भी गैप नहीं होना चाहिए। गैपिंग का मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं कि साल का गैप हो, देखिए जो चीज हो रही हो सबके साथ हो, प्रमोट हो तो सभी बच्चे प्रमोट हो, ना हो तो कोई बच्चा ना हो। तो देखते हैं क्या करती है सरकार दोस्तों, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और कब तक मिल सकती है दोस्तों इसकी आधिकारिक सूचना, तो हमें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों कुछ दिन और करना पड़ेगा, उम्मीद करें तो दोस्तों जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय और देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जो अपडेट आई थी हमने आपको पहले भी बता दिया कि यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया था कि आखिरी सेमेस्टर के अलावा अन्य सेमेस्टर के नतीजे पिछले प्रदर्शन, मतलब दोस्तों जो आप पहले पेपर दे चुके हैं, और आंतरिक मूल्यांकन मतलब जो आपके इंटरनल टेस्ट होते हैं जिसको यूनिट टेस्ट हम कह सकते हैं, उसके आधार पर घोषित किया जाएगा, ठीक है ना। खबर का सोर्स भी हमने आपको बता दिया, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो कोई भी फेक न्यूज नहीं है, जो है दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक है, सही खबर है, झूठ वूठ की खबर यहाँ नहीं मिलती आपको। तो चलिए दोस्तों कुछ ऑडियो क्लिप था जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बोला था, इसको जरा आप सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग अपना एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और दोस्तों बताइएगा कि क्या सच में टीचरों को आना जरूरत मतलब जरूरी है एक नए समय खोलना स्कूल, ये बात आप खुद कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों और भी अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं ऑडियो क्लिप क्या है ऑडियो में। सर आप ये बताएं हमें, बच्चे जो हमारे गोद में हैं, जैसे मेरा बेटा 2 महीने का है, इसको लेके जो व्यर्थ में ही हम लोगों को बुलाया जा रहा है, जबकि विद्यालयों में बच्चे नहीं आ रहे, कोई ऐसा कार्य नहीं चल रहा है कि जिसके हम लोगों के जाए बिना रुक जाए, तो क्यों ऐसा सर हम लोगों के साथ जाती है कि कोरोना की समस्या जो है सभी के लिए एक एक जैसी है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, यदि हम उससे संक्रमित होते हैं। लेखपाल जो महिला लेखपाल है वो जा रही है कि नहीं ड्यूटी पर? सर मैं मानती हूँ महिला 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 पुलिस जा रही है कि नहीं, सर महिला डॉक्टर जा रही है कि नहीं, ANM जा रही है कि नहीं सर, या तो फिर उनके बच्चे बच्चे नहीं है सर, मैं मानती हूँ उनके। तो अभी आप लोगों को कोई भीड़ में तो भेज नहीं रहा है, नहीं घर से सर निकलना है, स्कूल जाना है, घर आना है सर, ठीक है सर, पर हम लोग बच्चों को लेके पब्लिक कन्वेंस नहीं, जाते सरकारी हैं। सभी सरकारी जो सेवा में है सबको साथ एक सा व्यवहार होगा, केवल अध्यापकों को कोरोना से बचा कर रखना है, बाकी सबको कोरोना में झोंक देना ही नहीं हो पाएगा। नहीं सर, घर बैठे तनख्वाह नहीं मिलेगी, नहीं सर, ये तरीका नहीं है कोई, मानती हूँ सर, जो हम लोग ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन हम लोग भी पढ़ते हैं, स्कूल में बच्चों को बुलाने के लिए मना किया गया है, जी सर, ऑफिस मैं मानती ऑफिस के लोगों के लिए नहीं है गाइडलाइन, जी मैं मानती हूँ सर, लेकिन विद्यालयों में कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा है कि जो हम लोग 6 साल भर अगर विद्यालय में बच्चों को ना बुलाना हो कोरोना के कारण, तो आप लोग घर बैठ के तनख्वाह लेंगे? नहीं सर, जो अगर हम लोगों को कार्य दिया जाएगा और नहीं तो इस पर सहमति दे दीजिए कि जितना दिन तक ना आए स्कूल ना खुले उतने दिन का वेतन ना लें लोग, ये नहीं चलेगा। और दूसरे लोग विरोध कर रहे हैं, लेखपाल महिला कहती है साहब हम पूरे कोरोना में काम किए, तमाम सारे पुलिस कर्मी महिला है वो कहती है कि हम क्यों ड्यूटी करें,
ये ऐसे नहीं चलेगा, कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है आप लोग। नहीं सर, मैं मानती हूँ इस चीज को मानती हूँ लेकिन मानती हूँ इस चीज को मानती हूँ लेकिन